लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में। राकेश बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार यानी कि 22 नवंबर से शुरू हो रहा है और यह सत्र 22 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा, जिसमें सरकार के खिलाफ यहां पर जोरदार प्रदर्शन भी और जोरदार तरीके से सदन के पटल पर कई सारे मुद्दे भी उठाया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि राजधानी पटना में जल जमाव के भारी संकट के बाद यह पहला ऐसा सत्र होने जा रहा है जिसके बाद जो विपक्ष सरकार के कई मुद्दों के खिलाफ यहां पर आवाज उठाने के काम करेगी। आपको यह भी बताते चले कि बिहार में दिन प्रतिदिन बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की पूरी रणनीति कर ली गई है। और आपको यह भी बताते चले कि मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह भी इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अब शामिल होंगे और कोर्ट ने उन्हें इस बात की इजाजत भी दे दी है, जिसके बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह विधानसभा के सत्र में शामिल होने के लिए आएंगे। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 22 नवंबर से 28 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में 5 बैठकें निर्धारित की गई है। पटना में जल जमाव की भयावह होने के बाद यह पहला ऐसा सत्र है, ऐसे में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही बिहार में दिन ब दिन बिगड़ रही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की प्रामाणिक प्रतियां सदन पटल पर रखी जाएंगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी यानी कि सेकंड सप्लीमेंट्री एक्सपेंस स्टेटमेंट प्रस्तुत की जाएगी। शोक प्रकट करने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। सोमवार और मंगलवार को राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य होंगे। बुधवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा और मतदान के साथ उससे संबंधी विनियोग विधेयक पारित होगा। गुरुवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर हारून रशीद ने सभी दलों से शीतकालीन सत्र के दौरान सहयोग की अपील की है। बुधवार को विभिन्न दलों के नेताओं के साथ अलग अलग हुई बैठकों में ये अपील की गई। आपको बताते चले कि पटना स्थित MP MLA कोर्ट ने मोकामा से निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी है और इसके लिए वह भी कार्यवाही में शामिल होंगे। और नेशन भारत पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।